हेलो दोस्तों, आज मैं ओडिशा के एक डिश बनाने वाली हूँ जिसका नाम है पोड़ो पिठा। पोड़ो पिठा अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं सबसे सिंपल तरीका आपको बताने वाली हूँ जो कि जल्दी बन जाता है और टेस्टी भी है। डोसा का बैटर जैसे बनता है तो पोड़ो पिठा का बैटर भी ऐसे ऐसे ही बनेगा। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया है और उसमें मैं उड़द की दाल डालूंगी। एक कटोरी उड़द की दाल और उसके हिसाब से चावल होता है 2 कटोरी। ये नाप आप डोसा के बैटर में भी बनाएंगे, इडली के बैटर में भी वैसे ही इडली सेम बनेगा और ये पोड़ो पिठा भी सेम। 2 बाउल उसमें मैंने चावल डाला। आप अलग अलग मिक्स करके भी भिगो सकते हो, आप मिक्स करके भी भिगो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चावल और उड़द की दाल अभी मिक्स हो गया है। 1 कटोरी उड़द की दाल, 2 कटोरी चावल, दोनों मिक्स हो गए। अभी इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी डाल के इसको हम भिगो लेंगे 4-5 घंटा, फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद भी 4-5 घंटा रखेंगे, थोड़ा सा फूलेगा, ये फूल के भी फ्लफी बन जाएगा, तब हम इसको बनाएंगे कुकर में। पहले तो मिट्टी के बर्तन वगैरह में बनाते थे गाँव में, पर अब ये सब पॉसिबल नहीं है तो हम इसको कुकर में ही बनाएंगे। बहुत टेस्टी होता है। जब ये पीस के तैयार हो जाएगा, फ्लफी बन जाएगा फूल के, तब इसमें और कुछ भी इंग्रेडिएंट्स थोड़ा डलेगा, उसके बाद मैं फिर इसको बनाऊंगी। अब इसमें पानी डाल के मैं भिगो देती हूँ। थोड़ा और भी पानी डालना पड़ेगा। अब इतना पानी हो गया है इसमें, अब ये इसको मैं भिगो देती हूँ 4-5 घंटे के लिए। देखिए गाइस, जो मैंने चावल और उड़द की दाल भिगो के रखा था, अब उसका मैंने बैटर बना लिया है। अभी हम उसमें नमक डाल देंगे। देखिए, मैंने 1 चम्मच नमक मिला रही हूँ इसमें। इसको मिक्स कर देंगे हम। ज्यादा नमक मत डालिए, अभी गर्मी में ये बहुत ज्यादा फूल जाएगा। आप अगर लगता है कि कम है तो आप थोड़ा सा टेस्ट करके डाल सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा नमक अभी, क्योंकि हमें इसको रखना है 3 घंटे करीब। 3 घंटे में ये अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगा पोड़ो पिठा के लिए, तभी हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसमें। लेकिन अभी हम इसको ढक के रख देंगे। जब हम ढकेंगे इसको, ऐसे नहीं ढकेंगे ढक्कन को, उसको ऐसा करके ढकेंगे, क्योंकि फूल के इसके पीछे लग जाएगा, इसलिए हम ऐसे करके उसको ढकेंगे। जब भी हम गर्मी में ये बैटर बना के ऐसे डालते हैं तो इसको एक बड़ा सा पतीला में रखिए, क्योंकि ये बाहर निकल आता है फूल के। या अगर ऐसा होता है, आपको लगता है कि बाहर निकल आएगा, तो इसके नीचे एक थाली रख दीजिए, तो ये बाहर आएगा भी तो थाली के ऊपर ही गिरेगा बैटर। देखिए, अभी 3.5 घंटा हो चुका है और मैं अभी ढक्कन खोल के देखती हूँ कैसे फूला है ये। देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे फूल गया है, पूरा ऊपर तक आ गया है ये। अभी हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। मैं आपको दिखा दूँ कैसे फूला है ये, फ्लफी सा बन गया है। देखिए, एकदम से फ्लफी फ्लफी बन गया है। अभी हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सौंफ, ध्यान से देखते रहिए, 1 चम्मच, 2 चम्मच मैंने सौंफ डाला। ये है नारियल, छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट के रखा हुआ है। अभी इसको डालेंगे। ये पूरा कटोरी में डाल रही हूँ, मतलब ये 1 नारियल का ये आधा नारियल है। और हम डालेंगे इसमें गुड़, चीनी भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें ये शक्कर डालूंगी। 1 कटोरी शक्कर मैंने निकाल के रखा हुआ था और मैं इसमें पूरा ही डाल दूंगी।
नमक तो हमने पहले मिला के रखा हुआ था और हमने शक्कर, नारियल और सौंफ तीनों चीज डाल दिए हैं। अब सारे इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, बिल्कुल मिला लेंगे इसको। और काजू आपका, ये काजू है ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो नहीं डाल सकते, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें। देखिए शक्कर डालने से इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये पूरा अभी मिक्स हो चुका है। अभी हम इसको कुकर में डालेंगे। अभी हम गैस ऑन करके कुकर चढ़ा लेंगे, थोड़ी कुकर को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और उसमें हम घी डालेंगे। कुकर गर्म हो गई है और उसमें घी डाल रही हूँ मैं, एक बड़ी सी चम्मच ये है। थोड़ा सा और घी जब बिगल गया है तो इसको थोड़ा सा हम घुमा लेंगे कुकर में ऐसे ऐसे करके साइड में। अब हम थोड़ा गैस कम करेंगे, अभी हम बैटर को इसमें डालेंगे। मैं इसमें से आधा बैटर डालूंगी क्योंकि ये पूरा डालने से कुकर एकदम फूल हो जाएगा और पूरा उसको निकालने में फिर प्रॉब्लम होगी, तो इसमें मैं आधा बैटर डाला हुआ है। और उसके ऊपर मैंने नारियल ऐसे थोड़ा सा लंबा करके काटा हुआ था जो मैं इसके ऊपर ऐसे रख दूंगी। अब हम गैस सिम कर लेंगे और कुकर के लिड को बंद कर देंगे। ये ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट में बन जाएगा और ये बनने के बाद मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ कैसे बना है। प्रेशर कुकर के व्हिसिल हम नहीं लगाएंगे, ऐसे ही हम लिड लगा देंगे। और अभी 15 मिनट हो गया है और मैं एक बार इसको चेक करती हूँ निकाल के। देखिए ये पूरा फूल गया है। अब हम एक साफ सा चाकू लेके इसको एक बार चेक कर लेंगे ऐसे बीच में से नीचे तक। देखिए अभी ये पूरा कुछ नहीं लग रहा है, इसमें एकदम से क्लीन हो गया है, क्लीन निकला है, तो मतलब ये बन गया है पूरा। अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे। 15 मिनट में ये बन गया क्योंकि ये बहुत अच्छे से फूला हुआ था तो जल्दी बन गया है। अब इसको हम ढक्कन बंद करके 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छे से निकलेगा बिल्कुल बिना टूटे। ये देखिए 15 मिनट के बाद मैंने इसको पूरा निकाल दिया, कितने अच्छे से निकला हुआ है ये। और देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ साइड में से, और इसको उल्टा करके भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल जला नहीं है, एकदम से परफेक्टली बना हुआ है ये। देखिए गाइस मैंने एक पीस काटा हुआ है और काट के आपको दिखाती हूँ कितना फ्लॉपी बना है ये। तो आप घर पे इसको बनाइए और ट्राई कीजिए, मेरे को कमेंट्स लिखिए प्लीज। थैंक यू गाइस मेरे चैनल को पूरा लास्ट तक देखने के लिए।